दुनिया की टॉप बैडमिंटन स्टार्स में शामिल भारत की साइना नेहवाल डेनमार्क ओपन से बाहर हो गई है। भारत की साइना को महज 37 मिनट तक चले मैच में जापान की सकाया ताकाहाशी ने 15-21, 21-23 से मात दी। डेनमार्क ओपन का ये जो डेनमार्क ओपन है, इसका आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF करता है, और इस हार के साथ ही 2012 लंदन ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना नेहवाल का इस साल का खराब प्रदर्शन यहाँ भी जारी रहा। इस टूर्नामेंट के पिछले एडिशन में रनर अप रही थी सानिया, लेकिन इस साल का उनका जो प्रदर्शन रहा है वो कई टूर्नामेंट्स के शुरुआती राउंड से ही बाहर हो चुकी हैं। साइना ने इस साल जनवरी में हुए इंडोनेशिया मास्टर, जो कि ग्रेड 2 लेवल 4 का टूर्नामेंट है, उसे जीता था। इस टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने वर्ल्ड और ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराया था। मारिन स्पेन की हैं और उनकी उस समय की फॉर्म काफ़ी अच्छी थी, लेकिन साइना ने वहाँ काफ़ी बेहतरीन खेल दिखाया और इसके बाद उनको थोड़ी पेट में दिक्कत हुई और यहाँ से उनकी लय टूटनी शुरू हुई, और इसके बाद से साइना लगातार खराब प्रदर्शन कर रही हैं। इस जीत के बाद साइना ने 11 टूर्नामेंट्स खेले हैं, इनमें ऑल इंग्लैंड ओपन जैसा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भी शामिल है, और इन 11 टूर्नामेंट्स में साइना 3 बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंची हैं, जबकि 5 बार वह पहले ही राउंड से बाहर हो गई। इसके अलावा वह 2 बार प्री क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंच चुकी हैं इस दौरान खेले टूर्नामेंट्स में, और इसी दौरान उन्होंने सुधीर रमन कप भी खेला था, जिसके पहले राउंड में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इन 11 मैचों में जापान को सबसे ज़्यादा बार जापानी शटलर ने हराया है। जापान की नाओमी ओकुहारा और आयने यामागुची ने जहां साइना को 1-1 बार मात दी है, वहीं सयाका ताकाहाशी जिन्होंने डेनमार्क ओपन में इनको हराया, अब तक साइना को 2 बार हरा चुके हैं इस साल। इसके अलावा उन्हें चाइनीज और थाई शटलर्स ने भी 2-2 बार मात दी है। इस साल साइना अपनी फिटनेस से भी काफ़ी परेशान रही है। फिटनेस संबंधी समस्याओं के चलते उन्हें कई मैच मिस करने पड़े हैं। साइना की फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की मेडल जीतने की कम से कम एक संभावना को करारा झटका लगता दिख रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। स्पोर्ट्स से जुड़े तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसके साथ ही आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं।